हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडी से कौन है अत्यन एक और डिश के साथ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लौकी के कोफ्ते। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं इसे थोड़े से डिफरेंट टाइप से बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज की एक मजेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी बेस ग्रेवी। तो बेस ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज को ऐसे रफली चॉप करके ले लिया है और दो टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके लिया है। बारीक कटे हुए हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन के लिए है। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है। अभी इस कुकर में मैंने ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर ऐड करना है और साथ में मैं यहाँ पे तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले लौंग इलायची काले मिर्च के ऐड करूंगी और साथ ही में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसल्स तक हम बॉईल करेंगे। तब तक हम लौकी ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg की लौकी ले ली है जिसे बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है और अभी मैं इसे ग्रेट करूंगी। तो बड़े वाले ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लौकी ग्रेट कर लिया है, आप देखिए एकदम बढ़िया से ग्रेट हो गए हैं। अभी मैं इनको इस तरीके से स्क्वीज करके सारा पानी निकाल लूंगी। इससे क्या होगा कि बॉल्स जो है काफी इजिली बन जाएंगे। अगर लौकी में पानी रह गया तो बॉल्स बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। आप चाहे तो डो बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं कुकर चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो मैंने टमाटर प्याज रखे थे वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेड लौकी ले ली है और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। साथ ही मैं थोड़े से ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। अभी हमें जरूरत होगी तो आगे भी मैं बेसन ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है, लगभग 2 टेबल स्पून। तो टोटल मैंने 4 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। तो ये मिक्सचर रेडी है। अभी हम छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कोफ्ता बॉल्स रेडी करेंगे। तो मेरे बॉल्स रेडी है, अभी मैं इसे फ्राई होने के लिए डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अभी फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है और बॉल्स को फ्राई होने के लिए डालेंगे। हमें बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अभी मैं एक बार इन्हें पलट लेती हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अभी मैं इनका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो बॉल्स है वो भी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और मैंने 1 पिंच हींग की ऐड की है, साथ ही में 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है। जीरा हल्का सा चटक जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तरीके का एक स्ट्रेनर लेंगे और ये जो मैंने बेस ग्रेवी बनाई थी इसे मैं छान लूंगी बिल्कुल अच्छे से। तो बस अभी इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमेशा की तरह साथ ही में मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड करूंगी और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल रिलीज ना होने लगे। तो यहाँ पे मसाले भुन गए हैं। अभी मैंने जो लौकी का पानी रखा था उससे मैंने ऐड किया है और साथ ही में 1/2 ग्लास पानी और मैं ऐड करूंगी और अभी मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूंगी। तो अभी हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ गए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड किया है, आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अभी हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अभी हम बॉल्स ऐड करेंगे और अभी बॉल्स को ऐड करने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, आप देखिए जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है। अभी मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसे गार्निशिंग करूंगी और गर्मा गर्म सर्व करूंगी। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये लौकी कोफ्ता करी की रेसिपी आप सबको? आप इस तरह से लौकी कोफ्ता बनाकर देखिए, सभी आपकी तारीफ करेंगे।
आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।